की इस पावन मेला पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं हम लोग। और जिस तरह की आज यहाँ प्रस्तुति दी हमारे स्कूल के बच्चों ने और मार्च पास जिस तरह से हुई, मैं समझता हूँ कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. अपना बलिदान करके जिस कुर्बानी के साथ देश को आजादी दिलाई और देश के महान नेताओं ने भारत के संविधान का निर्माण किया, आज हर देशवासी का ये कर्तव्य बनता है, ये प्रतिज्ञा का दिन है हम सब लोगों के लिए कि देश में नफरत का वातावरण नहीं बने, हिंसा का वातावरण नहीं बने, असहिष्णुता का वातावरण नहीं बने। हम आज संकल्प लें कि जो हमारी अनेकता में एकता की जो विरासत है वो महफूज रहे, देश एक रहे, अखंड रहे। ये प्रतिज्ञा का दिन होता है हमारे लिए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, हमारे उद्योग धंधे मजबूत रहे, महंगाई पे लगाम लगे, बेरोजगारी जो सातवें आसमान पे बढ़ी हुई है उस बेरोजगारी पे अंकुश लगे, देश की नौजवान पीढ़ी को रोजगार मिले और देश तरक्की के रास्ते पे तेजी से आगे बढ़े। ये हम सब लोगों का आज के दिन संकल्प होना चाहिए। इस देश को हमारे महान नेताओं ने जिस तरह स्वतंत्र कराया और जिस तरह संविधान सभा के जो हमारे लोग थे, सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबू कलाम आज़ाद हो, सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों की देखरेख में जो एक संविधान का निर्माण किया गया, वो उत्कृष्ट संविधान हमारे देश को मिला, बहुत मजबूत संविधान है। उस संविधान की रक्षा की शपथ हम लें और जो प्रीएम्बल संविधान के अंदर है, जो तत्व संविधान के अंदर निहित है, उनकी मूल भावनाओं से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो। ये देश सब धर्मों के मानने वालों का देश है, सब भाषाओं को बोलने वालों का देश है, अनेक तरह के खान पान और वेशभूषाओं का देश है। ये गुलदस्ता है, इसे महफूज रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है और ऐसा कोई कदम हम नहीं उठाए जिससे देश की एकता और अखंडता कमज़ोर हो। देश मजबूत बनेगा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये हमारा संकल्प आज के दिन होना चाहिए।